एलओसी पर बर्फीला तूफान और हाड़ कपा देने वाली ठंड, हड्डियों को गला देने वाली ठंड में तैनात हिमवीर, बर्फीली वादियों में हाई अलर्ट पर सेना के जांबाज जवान। साल 2022 में 186 आतंकवादियों का किया खात्मा। कि जब तक खुदा के बंदे की टीम यहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयड है, नोबडी नीड्स टू वरी, और कोई भी इन्फिल्ट्रेटर लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके भारत की सरजमीं पे नहीं आ पाएगा। जम्मू कश्मीर में होने वाली भारी बर्फबारी से लोगों की रगों में खून जमने लगता है। हड्डियों को गला देने वाली ठंड में ये माँ भारती के वीर सपूतों का हुंकार है। हाड़ कपाती ठंड में भारतीय सेना के जाबाज जवानों की दहाड़ सुनकर सीमा पार बैठे लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंक के आका डर से कांप रहे हैं। सीमा पर दीवार बनकर खड़े जाबाज जवान भारत की सरजमी की तरफ नजरें उठाने वाले दहशतगर्दों को सीना तान कर ललकार रहे हैं। बर्फीले तूफान और जानलेवा ठंड में बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात जवान रात दिन और 2400 घंटे दुश्मनों पर नजरें गड़ाए जंग के लिए तैयार बैठे हैं। भारतीय सेना के अदम्य साहस की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले की है। उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर तैनात जवान -30 डिग्री से भी कम तापमान में मुस्तैद हैं। हड्डियां गला देने वाली ठंड और बेहद खराब मौसम में अपनी जान दांव पर लगाकर भारतीय सीमा की सुरक्षा में तैनात जवानों का सिर्फ एक ही मकसद है, आतंकवाद का खात्मा और पाकिस्तानी सेना की हर नापाक साजिश को नाकाम करना। भारतीय सेना के जवान 10,000 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर शून्य से -20 डिग्री सेल्सियस तापमान में पेट्रोलिंग करते हैं। सारे इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स को नकार करने के लिए या डिफीट करने के लिए हमारे पास जो यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल में इंडियन आर्मी के पास बहुत ही अच्छा लाइन ऑफ कंट्रोल का काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है। धरती के जन्नत जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी से पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। कश्मीर घाटी से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक पूरा इलाका सफेद बर्फ की आगोश में समाया हुआ है। बर्फीले तूफान और हाड़ कपकपा देने वाली ठंड में भारतीय सेना के जाबाज जवान मां भारती की सुरक्षा में सीना तान कर खड़े हैं। एलओसी पर कमर तक जमी बर्फ में भारत के इन रणबांकुरों का हौसला देखकर पाकिस्तान में बैठे लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद के आकाओं का कलेजा डर से थर थर कांप रहा है। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाथ में खतरनाक हथियारों से लैस इन जवानों का जोश पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के होश उड़ा रहा है। पाकिस्तानी सेना की हर साजिश लेकर आतंकवादियों पर बास की तरह नजरें गड़ाए बैठे इन जवानों से बचकर एलओसी पार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पाकिस्तान से सीमा पार कर आने वाले आतंक के सपोलों का सिर कुचल कर भारत के जाबाज जवान बर्फ में दफन कर देने को तैयार बैठे हैं। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर जमी बर्फ की सफेद चोटियों पर जहां आम इंसान के लिए पांव रखना जानलेवा साबित हो सकता है, बर्फ से ढके इन रास्तों पर जवानों के पांव नहीं डगमगाते। दुश्मन पर नजर रखने के लिए पहाड़ की चोटी पर नजर आ रहे बर्फ से ढके इन बंकरों में भारतीय सेना के जवानों को कई कई दिन गुजारने पड़ते हैं। बर्फीली चोटियों पर सीमा की सुरक्षा में लगे जवानों की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, इनके जिंदा रहते भारत का कोई बाल भी बांका नहीं कर सके और देश के लोग दुश्मन से बेफिक्र चैन की नींद सो सके। हम यहाँ पे हैं, वो हमारा धर्म है, दैट इज आवर ड्यूटी, कि देश न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा है, वी ऑल्सो सेलिब्रेट ओवर हियर। हम यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं और देश आराम से, अब हर कोई हर सिटीजन अपना काम कर रहा है एंड वी आर डूइंग इट टू आवर बेस्ट एंड टू द कंट्री। यही हमारा संदेश है कि जब तक खुदा के बंदे की टीम यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयड है, नोबडी नीड्स टू वरी, और कोई भी इन्फिल्ट्रेटर लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके भारत की सरजमीं पे नहीं आ पाएगा।